हाय फ्रेंड्स मैं रितु तो नागपाल देखिए आपके लिए जो है बच्चों के लिए एक छोटा सा नेक वार्मर लेकर आई हूँ नेक प्लस चेस्ट वार्मर है ये अगर खाली नेक वार्मर होता तो यहीं तक बनता ये चेस्ट वार्मर थोड़ा सा मैंने लंबा बनाया है हार्डली 60 ग्राम्स में ये बना है और दोनों तरफ आप ये देखेंगे सेम बना है ये और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है जो छोटे बच्चे एक्चुअल में हमारे होते हैं उनको जो है चेस्ट में छाती पे ठंड जो है जल्दी से लग जाती है तो इसलिए ये एक नेक वार्मर और प्लस चेस्ट वार्मर है ताकि उनके गले में और छाती में चेस्ट में ठंड ना लगे तो आगे मैंने स्टेप बाई स्टेप आपको बताया है कि हम इसे किस तरीके से बनाते हैं बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाता है तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम चलिए देखिए बच्चों के लिए जो है हाई नेक बनाने जा रही हूँ जो थोड़ा चेस्ट के ऊपर भी आता है वार्मर की तरह नेक वार्मर एंड देन चेस्ट पे जो वार्मर होता है अब नॉर्मल जो है मैं वूल ले रही हूँ उसमें मैं सर्कुलर राउंड नीडल ली है मैंने 40 सेंटीमीटर की है ये 10 नंबर आप ये देखेंगे इस तरीके से और इसमें मैंने 84 फंदे डाले हैं अब 84 फंदे अदर एक फ़ंदा एक्स्ट्रा डालूंगी लॉक करने के लिए तो यहाँ पर मैं देखेंगे आप एक फंदा एक्स्ट्रा डालूँगी इस तरीके से फंदे जैसे डालते हैं वैसे ही आप नॉर्मल डालेंगे अब आपने ये देखना है कि ये सीधा किस तरीके से ये देखेंगे कि ये इसे ऐसे सीधा करना है सीधा इन द सेंस ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इस तरीके से ऊपर आनी चाहिए अगर ये ऐसे आ गई तो ये टेढ़ा हो जाएगा ट्विस्ट हो जाएगा तो आपने इस तरीके से ऊपर देखना है कि ये पूरी लाइन ऊपर है अब यहां पे हम पहले इसे लॉक करेंगे एक फंदे को तो देखिए लॉक कैसे करेंगे ये वाला फंदा आपने ऐसे उतारा और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया ये जो हमने एक फंदा एक्स्ट्रा डाला था वो ये है ये ये डाला उतारा और इसे आपने खींच देना है धागे को ताकि ये टाइट हो जाए अब यहाँ से हमें एक सीधा एक उल्टा शुरू करना है और साथ में मैं यहाँ पे जो है एक मार्कर लगा देती हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से मैं देखेंगे एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से आप राउंड नीडल में राउंड राउंड बना सकते हैं चाहे तो एक सीधा एक उल्टा बना लीजिए सीधा सीधा बना लीजिए ये देखेंगे पर यहाँ पे जो मैं नेक वार्मर बना रही हूँ तो मैं एक सीधा एक उल्टा बनाती हुई फिलहाल जाऊँगी देखिए एक सीधा फिर ये एक उल्टा इस तरीके से अब इसे ऐसे ही करते हुए मैं जाऊँगी इस तरीके से चालीस सेंटीमीटर इसलिए ली है कि बड़ी लोगे तो उसमें जो है इसे इस तरीके से घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो देखिए इस तरीके से अब आप ये राउंड राउंड बनाते हुए जाएंगे। फिलहाल ऐसे ही बनाते हुए जाना है हमने इसे ये देखेंगे इस तरीके से तो ये आप इस तरीके से राउंड राउंड बनाते हुए जाएंगे अब आप देखिए ये जो है मैंने 13 सेंटीमीटर लॉन्ग बनाया है यानी कि पाँच इंच लंबा बनाया है ये पार्ट जो है आप अपने अपने बच्चों के गले के हिसाब से करेंगे जितना गला होगा आप इस तरीके से फोल्ड करके देखेंगे बच्चे के उसमें आना चाहिए ऐसे इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे जो है मैं इस समय क्योंकि हमें ये फोल्ड करना होता है तो उल्टी तरफ ऊपर ना आए उसके लिए हमने क्या करना आप ये देखेंगे ये देखिए सीधी तरफ है ये इसे मैं फिलहाल यहीं पर वैसे ऐसे उल्टा करूंगी देखिए ये उल्टा कर दिया उल्टा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो आप ये देखेंगे ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है ये ऊपर आना चाहिए ऐसे तो इसलिए मैं इसे उल्टा कर रही हूँ आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा अब देखिए यहाँ से शुरुआत होगी हमारी वापस की क्योंकि यहाँ तक हमारा एंड है पूरी लाइन ऐसे बन गई है तो यहाँ से जो है हम शुरू करेंगे अब करना कैसे है इसमें मेरे 84 फंदे हैं एक थोड़ा सा आपको इसमें बता देती हूँ अब देखिए यहाँ पे इस समय जो है मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ 84 फोर स्टिचिज़ है एटी फ़ोर स्टिचेस है जो बच्चे के इसमें मैंने डाले हैं अब मुझे जो है इसे डिवाइड करना है तो क्योंकि हम इस तरीके से बना रहे हैं हमने चारों चार जगह पे बढ़ाना है तो चार जगह पे बढ़ाने के लिए देखिए एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो, हो गया और एक ये हो गया इन चारों जगहों पे हमने बढ़ाना है तो बढ़ाने का के लिए हमें जो है यहाँ पे दो फंदे यहाँ दो फंदे यहाँ दो फंदे और यहाँ दो फंदे चाहिए जिनके आसपास हम बढ़ाएंगे यानी कि दो दो चार पाँच छः सात आठ अब आपने 84 में से जब माइनस एट किया तो आपके पास जो है 76 सिक्स स्टिचेस रहते हैं अब 76 सिक्स स्टिचेस को हमने जो यहाँ पे डिवाइड करना है वैसे तो मैं डिवाइडेड बाय थ्री करती हूँ लेकिन राउंड ऑफ आने के लिए उसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे हम 12 यहाँ पे 12 यहाँ पे 26 और यहाँ पे 26 यानि कि 26 26 बैक एंड फ्रंट में रहेगा 12 एंड 12 आपके उनके शोल्डर पर रहेगा इस तरीके से इसे हम जो है करेंगे लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपने इन दो दो स्टिचेस के आसपास एक यहाँ 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 यहा। यानी कि इन जगहों पे बढ़ाना है तो दो दो चार पाँच छः सात आठ आठ फंदे एक सीधी लाइन में बढ़ते हैं और नेक्स्ट लाइन हमारी उसमें नहीं बढ़ेगा इस तरीके से इसमें करके आपको मैं बताऊँगी देखिए ये है इसका बेसिकली जिस तरीके से मैं डिवाइड करूँगी चलिए आ जाते हैं अब देखिए करना क्या है अब स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा यहाँ पे है देखिएगा करेंगे किस तरीके से डिवाइड जब बताया आपको मैंने इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे आएगा इस तरफ तरफ से आएगा और ये धागा यहाँ पे आएगा क्योंकि हम अपने तो बाद में इस गैप को हम फिल करने के लिए एक फंदा वैसे ही बढ़ा लेंगे अब देखिए करना कैसे है अब यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है तो आप इस तरीके से ये लीजिएगा इसे यहाँ से हम बढ़ाने का शुरू कर रहे हैं और इसे हम सीधा बनाएंगे देखेंगे ऐसे अब इन दो फंदों को मैं ट्विस्ट करूँगी ऐसे लिया आपने इस तरीके से और ये ऐसे ट्विस्ट किया यानी कि सेकेंड वाला फंदा हमने पहले बनाया और फर्स्ट वाला फंदा हमने बाद में बनाया ये किया आपने अब यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ाना है तो ये लीजिएगा और इसे सीधा ऐसे करके बनाइएगा तो दो फंदे हमने इस ट्विस्ट के आसपास बना दिए आप चाहे तो इसे सीधा भी रख सकते हैं अब यहां से हम शोल्डर के फंदे लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह अगेन ये देखेंगे ये लिया आपने ऐसे इसे उठाया और इसे बना दिया ये बनाया फिर इन दोनों को हमने ट्विस्ट करना है तो बैक वाला फंदा आपने पहले बनाया फ्रंट से ऐसे और फिर ये वाला फंदा बनाया अब अगेन यहाँ पे बढ़ाना है तो आपने ये लिया देखिए ऐसे और इसे बनाया तो यहां पे आसपास हमने बढ़ा दिए अब आप चाहे तो मार्कर लगा सकती है मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ध्यान रहेगा कि एग्जैक्टली exactly यहीं पे बढ़ाना है अब आ जाते हैं बैक पार्ट पे तो 26 फंदे सीधे बनाने आपने ऐसे अब ये देखिएगा ये 26 फंदे बन गए अब फिर से इन दोनों के आसपास हमने बढ़ाना है तो आपने ये लिया ऐसे अगेन इस पर बढ़ाया अब ये दो फंदे वैसे ही ट्विस्ट करने हैं यानी कि सेकेंड वाला फंदा हम पहले बनाएंगे ऐसे इस तरीके से और ये वाला फंदा हम बाद में बनाएंगे फिर से बढ़ाना है आपने तो नीचे से लेंगे आप ऐसे इस तरीके से इसे इस पर डालेंगे और हम इसे बैक से बनाएंगे ताकि छेद ना आए इसीलिए हम बैक से बना रहे हैं आपको अगर जाली चाहिए होगी तो आप डाल, उसे नॉर्मल बना सकते हैं अब यहाँ से फिर से आपके शोल्डर के बारह फंदे आ जाते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये देखिए बारह अगेन वही यहाँ पे बढ़ाऊँगी पहले ऐसे इस तरीके से बैक से फिर इनको ट्विस्ट करना है तो सेकेंड वाले फंदे को आपने पहले बनाना है फ्रंट से ऐसे और फ्रंट वाले को बाद में ट्विस्ट किया फिर नीचे से बढ़ाया आपने ऐसे करके इस तरीके से ये देखेंगे ये और ये ऐसे अब ये हमारे 26 फंदे फ्रंट के या बैक के जिसके भी कहिएगा वो होंगे अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छेद दिखेगा तो उसे आपने ये लेना है सीधा फंदा और इसे इसके ऊपर से लेना है और इसे लेंगे तो इन दोनों को हम अभी दो का एक कर देंगे ताकि यहाँ पे आपको ये गैप ये छेद जो है ये ना दिखे अब यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है अब एक एक लाइन में तो आपने इस तरीके से बढ़ाया दो दो चार दो छः दो आठ जगहों पर अब दूसरी लाइन कैसे करनी है धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक फंदा आपने ऐसे ये हमने दो का एक करना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा फंदा यहां पे हमने किया है तो आपने इसे ऐसे लेना है इन दो को आपने दो का एक उल्टे में करना है ये, ये किया अब यहाँ पे आपका गैप जो है अपने आप बंद हो जाएगा धागा आगे ये जो ट्विस्ट था इसे आपने सीधा बनाया एक और एक दो ये बनाया फिर धागा अपनी तरफ अब ये जो हमारे फंदे हैं ये हमारे ऐसे उल्टे जाएंगे एक दो तीन चार पच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह देखिए, पहले बारह थे अब एक यहाँ बड़ा, एक यहाँ बड़ा, चौदह हो गए धागा आगे ये दो फंदे जो हमने ट्विस्ट किए थे उसे आपने इस वाली लाइन में सीधे बनाने हैं अगेन धागा अपनी तरफ अब ये जो फंदे हैं ये उल्टे जाएंगे 28 फंदे होंगे ये पहले 26 थे ये देखिएगा अट्ठाईस फंदे ऐसे उल्टे हो गए धागा आगे ये दो फंदे आपने सीधे किए जो हमने ट्विस्ट किए थे इससे पहल, इस पहले में फिर धागा अपनी तरफ एंड देन ये चौदह फंदे उल्टे जाएंगे ये देखिए चौदह फंदे हो गए अगेन जो ट्विस्ट किए थे उन्हें आपने दो फंदों को ऐसे सीधे बनाना है फिर दागा अपनी तरफ और ये 28 फंदे आपके उल्टे जाएंगे देखिए ये दो लाइंस अब आपने दोहराते हुए जानी है जो मैंने ये अभी दो लाइंस बताई जहाँ जहाँ एक लाइन सीधी में बढ़ाना है अगली लाइन हम इस तरीके से उल्टे करेंगे लेकिन जो हम ट्विस्ट कर रहे हैं उसे हम सीधा बनाएंगे अगली लाइन में तो यही दो लाइंस आप फिलहाल दोहराते हुए जाएंगे ये अब अपने अपने बच्चे के हिसाब से होगा तीन इंच चार इंच पाँच इंच इस तरीके से अपने अपने बच्चों के जो आम होल होती है बेसिकली उसके हिसाब से शोल्डर जो होता है जहाँ पे हम ऊपर का शोल्डर होता है उसके हिसाब से आपने इसे जो है फिलहाल ऐसे ही बनाते हुए जाना है देखेंगे फिर से आगे हम सीधी उस पर अब फिर से वही ये फंदा तो सीधा बनेगा क्योंकि इन दो के जो हमने ट्विस्ट किया था उसी के आसपास बढ़ेगा तो इसे आपने सीधा बनाया अब यहाँ पे आपने ये वाला फंदा ऐसे करके बढ़ाना है तो आपने ये सीधा करके ऐसे किया इसे बढ़ाया बढ़ गया अब ये दो फंदे हम ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से सेकेंड वाला फंदा पहले बनाएंगे और फर्स्ट वाला फंदा बाद में बनाएंगे एंड अगेन यहाँ पे हम ऐसे करके बढ़ाएंगे ये देखेगा अब ये सारे फंदे नेक्स्ट ट्विस्ट तक आपने सीधे बनाने हैं इस तरीके से ये मैं अगेन बता रही हूँ आपको थोड़ा सा पर आपको करते हुए ऐसे ही अब जाना है देखेंगे यहाँ पे आगे ये आपका ट्विस्ट वाला है इससे पहले ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसे करके बढ़ाएंगे इसे अब ये ट्विस्ट हमने फिर से करना है बैक का फंदा पहले बनेगा फ्रंट से और फ्रंट का बाद में फिर से यहाँ बढ़ाना है ऐसे ये लिया इस तरीके से और ये बढ़ाया अब ये फंदे फिर से सीधे देखेंगे आप इस तरीके से ये आपने चार जगह पे जहां जहां मैंने बताया वहां वहां आपने जो है इसे फिलहाल ऐसे ही बढ़ाते हुए जाना है जो दो लाइन्स मैंने आपको बताई उसी तरीके से उसे करते हुए फिलहाल जाइएगा अब ये जिस बच्चे के लिए भी बन रहा होगा उसके आम होल के हिसाब से यानी कि उसके जो शोल्डर का चौड़ाई है उसके हिसाब से मैं इसे बनाती हुई जाऊंगी ये देखेंगे आप तो चलिए फिलहाल यही दो लाइंस हम दोहराते हुए जाएंगे अब ये देखिएगा जिस तरीके से आपको बताया है वैसे ही बताती गई हूं तीन इंच बनाया है आप ये देखेंगे ये देखेंगे इस तरीके से ये बढ़ाया है तीन इंच बना दिया ये मैंने अब इसके बाद तीन इंच अब हमें बाजू के फंदे बंद करने हैं और बाकी फंदे फिर घटाते हुए जाने हैं तो देखिएगा किस तरीके से अब यहाँ पे ये बाजू के फंदे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से मैंने सीधा बनाया ऐसे अब बढ़ाना नहीं है आपने ये बनाया और ये जो हमने दो फंदे उसके रखे थे डिज़ाइन के रखे थे इन्हें एक फंदे को यहाँ लूँगी और एक फंदे को बाजू में लूँगी तो देखिए ऐसे लिया अब जो ये सारे फंदे हैं यहाँ से लेकर ये एक फंदे से लेकर यहाँ ये जो डिज़ाइन है इसके एक फंदे तक यहाँ तक मैं इसे एक एक करके जो है ऐसे बंद कर दूंगी इस तरीके से ऐसे बंद करेंगे हम एक एक फंदा बंद कर देंगे ये देखिएगा इस तरीके से मैंने बंद कर दिया ये बाजू के फंदे हैं अब यहाँ से ये यहाँ तक बनाऊंगी और यहाँ पे भी जो बाजू के फंदे हैं वो बंद करूँगी नॉर्मल बनाऊंगी ये देखेंगे ये हमने यहाँ से शुरू किया है ये नॉर्मल इस तरीके से आप बनाएंगे सीधा ये देखिएगा फिर से सेकेंड वाले बाजू के पोर्शन में आ गए यहाँ पे ये हमें बाजू के फंदे बंद करने हैं एक बाई एक करके ये देखिएगा वन बाई वन करके आपने इस तरीके से ये बाजू के फंदे सिर्फ बंद करने हैं अब ये देखेगा ये वाली बाजू भी मैंने ऐसे बंद कर दी है अब मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा देती हूँ ये देखेंगे ये ऐसे आया है ये बाजू बंद कर दी इसको आप फोल्ड कीजिएगा ये ऐसे ये देखिएगा ऐसे आया है अभी इस तरीके से है अब ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है ये आपने अपने अपने बच्चों के कंधे के हिसाब से बनाना है ये इसके शोल्डर पे आएगा जो शोल्डर का एंड होता है उसे जस्ट थोड़ा सा पहले आपको रखना है इसे तो इसका आइडिया तो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा अब हमें क्या करना है आगे और पीछे का पार्ट दोनों सेम बनेंगे जो अभी मैं आपको आगे का पार्ट में बताने जा रही हूँ वही आपने पीछे के पार्ट में भी करना है यानी कि आगे और पीछे का पार्ट ये जो अब सेम बनेगा बाजू तो हमने कर दी मतलब ये शोल्डर पर जो रहेगा वो तो ऐसे ही रहेगा अब बैक एंड फ्रंट को जो है आपने सेम बनाना है तो देखिए क्या करना है आपने एक मैं बता देती हूँ बाकी दोनों में सेम करना है और उसके बाद आप इसे जो है बंद कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है ये पहला फंदा तो इसमें उतर रहेगा अब यहाँ से हमें बनाना है तो यहाँ पे मैं पहले एक दो और तीन फंदे बनाऊँगी तीन फंदे बनाने के बाद ये जो दो फंदे हैं इनको दो का एक करूँगी इस तरीके से कैसे भी कीजिएगा वो आपकी मर्जी है दो का एक किया अब ये सारे फंदे सीधे बनेंगे ऐसे ये देखिएगा ये हो गया अब आपने क्या करना है ये किया अब पलट के यहाँ पे भी आपने पहले एक दो तीन फंदों से पहले दो का एक करना है तो ये जो दो है आपने इस तरीके से दो का एक कीजिएगा और फिर तीन फंदे आप बनाएंगे अब हमें जो है पलटना है ऐसे देखिएगा ऐसे पलट के पहला फंदा उतारने के बाद बाकी सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे तो यानी कि उल्टे में हम नहीं घटाएंगे और सीधे में हम जस्ट तीन फंदे के बाद और लास्ट में तीन फंदे से पहले घटाते हुए फिलहाल ऐसे ही करते हुए जाएंगे फ्रंट एंड बैक आपका सेम बनेगा तो ये मैं थोड़ा सा घटा इसीलिए रही हूँ क्योंकि ये चेस्ट पे भी थोड़ा सा आ जाएगा तो चेस्ट वार्मर का काम भी ये बच्चों के लिए करेगा देखिए तो ये पूरी लाइन आपने ऐसे सीधी करनी है ये देखिएगा होगी पूरी आपकी उल्टी लाइन अब पलट के वही तीन फंदे बनाने के बाद दो का एक करूंगी तो एक दो तीन एंड देन आपने दो का एक करना है और लास्ट में भी वही तीन फंदों से पहले दो का एक करना है तो अब यही चीज हम दोहराते हुए फिलहाल जाएंगे उल्टी लाइन में नहीं घटाऊंगी सिर्फ सीधी लाइन में घटाऊंगी और आगे और पीछे का जो पोर्शन है वो दोनों सेम बनेंगे तो चलिए पहले थोड़ा सा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना किया है अब ये देखिएगा ये जो है मैंने आ, कम से कम ये आपका यहां से शुरू है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ यानी कि अठारह फंदे नौ यहां से नौ यहां से बंद किए हैं अब जस्ट चार लाइंस नॉर्मल बिना उसके बनाऊंगी और इसे बंद कर दूंगी और बैक साइड भी जो है मैं इसका जो फ्रंट या बैक साइड आप कह लीजिए कहीं से भी रख सकते हैं वो भी मैं इसी तरीके से जो है बनाऊँगी तो देखिए इस तरीके से आप आपने जस्ट चार लाइंस करनी है और फिर इसे बंद कर देना है तो यहाँ से शुरू करूँगी मैं देखिए ये ऐसे आपने बिना बंद किए है यानी कि बिना घटाए हुए आपने चार लाइन्स करनी है और उसके बाद इसे बंद कर देना है तो ये आप चाहे तो थोड़ा लंबा भी रख सकती है या थोड़ा छोटा भी रख सकती है वो आप अपने अपने बच्चों के हिसाब से रखिएगा या और थोड़ा घटाना चाहेंगी थोड़ी और शेप देना चाहेंगी ये सब चीज़ें आप मॉडिफाई इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं तो देखिए अब चार लाइंस ऐसे ही हमने सीधे सीधे की बनाने के बाद इसे बंद कर देना है और बैक साइड भी जो है एग्जैक्टली exactly जो है सेम बनेगा जैसा मैंने ये बताया आपको जितनी बार मैंने इसे घटाया उतनी ही बार मैं बैक में भी घटाऊंगी और उसे इसी तरीके से फिर चार लाइन करने के बाद बंद कर देंगे देखेंगे अब ऐसे ये किया एंड अगेन दूसरी लाइन भी आपकी सीधी जाएगी फिर दो और जाएगी और फिर उसे बंद कर दूंगी तो ये देखेंगे इस तरीके से आया है अभी तो चलिए पहले इसे कर देती हूँ बैक का भी फिनिश कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक जो है कैसा आएगा और ये कितना बना है फिर आपको उसके बाद इसे मेजर करके बताती हूँ मैं अब आप ये देखिए इस तरीके से ये बन गया और मैंने इसे बंद कर दिया दोनों पार्ट्स आगे और पीछे के जो है मैंने एक जैसे बनाया है सेम बनाए हैं जैसे आपको फ्रंट बताया था वैसे ही बैक बनाया उसी तरीके से बनाया तो आपका नेक वार्मर इस तरीके से तैयार हो गया अब ये जो है आपके थोड़ी सी आपको जो है यहाँ पर लंबाई बता देती हूँ वैसे ही अपने अपने हिसाब से आपने रखना देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका बारह सेंटीमीटर है इस तरीके से और अगर आप इसे पूरा देखते हैं नेक के साथ तो ये आपका जो है 25 सेंटीमीटर है तो इस तरीके से आपने नेक वार्मर बच्चे के लिए बनाना है बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो छोटे बच्चे तीन चार साल के पाँच साल के होते हैं ना ये अपने आप को गीला कर देते हैं और इनके चेस्ट जो है कपड़े अगर गीले हो जाए तो चेस्ट में ठंड घुसने की वो होती है तो इसलिए ये नेक वार्मर के साथ आपका चेस्ट वार्मर भी बन गया कि उनके चेस्ट के ऊपर रहेगा तो गरमाइश उनकी बनी रहेगी तो ठंड जल्दी से नहीं लगेगी तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ Thank you.